314, 318, 321, 321. और भाई क्या हाल चाल है, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वीडियो छोटी हो रही है ना? हाँ यार सॉरी, मुझे भी पता है। क्या होता है ना, सुबह सुबह मैं उठता हूँ जैसे, तो उस टाइम वीडियो व्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ, और कभी कभार कुछ काम में फंस जाता हूँ तो शूट नहीं कर पाता हूँ। तो दुकान ले जाते समय मान लो 11 बज जाते हैं, उसके पहले मैं कभी कभी ना 2 या 3 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा शूट कर लेता था, जो कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, किसी काम में फंस जाता हूँ इधर उधर। इसीलिए अभी दुकान में देखो रेडी है, रेडी कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभार ना 5 या 4 मिनट की वीडियोज़ बन पाती है, तो मुझे भी लगता है यार छोटी हो गई है, और आप लोग कमेंट करके भी बोल रहे हो। तो आई ट्राई कि सुबह सुबह से ही मैं वीडियो या फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी मेरे को पानी पूरी की गिनती करनी है। अच्छा, आपको पता है कि पानी पूरी की गिनती हम लोग कैसे करते हैं इतने ज़्यादा हक क्वांटिटी में? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग पानी पूरी की जो गिनती है ना वो कैसे करते हैं। देखो, एक पनीर ले लेता हूँ पहले मैं, एक पनीर ले ली मैंने, इसमें कितनी पीस आती है ये देखिएगा, ये 5 किलो साइज की पनीर है। अब कितनी गिनती पकड़नी है आपको? 5 पीस। देखो, 2 इस हाथ में है, 3 इस हाथ में है। अब ना मैंने इसमें 20 बार पानी पूरी डाली है, मतलब 20 बार ये फुल्की डाली है, और 5-5 करके मतलब 10 बार डाली, 50 हो गए, 20 बार डाली, तो 100 पीस इसमें अभी देखिए ये 100 पीस हो चुकी है। ऐसे ही हम लोग इसकी गिनती करते रहते हैं 50। तो इसमें ना अब मैंने 50 बार गिनती करके डाल दी है, तो मतलब इसका मतलब इसमें हो गया 250 पीस। इस पन्नी में अब आपकी 250 पीस पानी पूरी हो गई। और देखो, पचकी भी ना ऐसे ही में से छाट के निकालते हैं, जैसे देखो पचकी निकल गई, जिसको हम लोग ना चाट में फोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। एक पन्नी मैंने गिन दी, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में गिन रहा था, वैसे मेरे पापा गिनते हैं उधर, गिन रहे हैं, और मैं चलता हूँ अपनी दुकान लगाने। तो हम लोग ऐसे गिनती करते हैं 5-5 पीस करके, तो हम लोग को पूरी पन्नी ऐसे 250 पीस में या 300 पीस में भर जाती है। पन्नी के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी है। और देखो, मेरे पापा रख के गए हैं 2 पन्नी इसमें, तो ये 400 की 2 पन्नी है, 800 पीस है मान लो। तो इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा डाल देता हूँ पहले। तो भाई फाइनली ना ये डंडा मेरे को मिल गया, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मेरे भाई देखो वहाँ पे खड़ा हुआ है, अब वो पानी लेके वहाँ पहुँचाएगा। तो ये डंडा मैं ऊपर रख देता हूँ, और इसी को ना मैं बांध के ना इसके द्वारा मैं तिरपाल पूरी अपनी बांध लेता हूँ। तो वहाँ मेरा भाई चला गया था, तो मैंने ठेला यहाँ पे खड़ा करवा दिया था, फिर मैं दोबारा डंडा लेने गया घर। तो दुकान मैं अपनी ले आया हूँ, और मैंने दुकान लगा ली, और ये डंडा था ना जो, इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बांध लिया है। कल पूरा टूट गया था ना, यहाँ तक था, तो ये छाया पूरी आधी पड़ रही थी यहाँ पे। अभी मैंने बहुनी की पता है 10 रुपये की, और 50 का नोट दिया सामने वाले ने, तो मैं उसको क्या बोला कि राष्ट्रीय लेके आ जा, तो बोलता अभी आप खाओगे क्या, मतलब मैं नहीं खाता मेरे दांत देख। तो फिर गया राष्ट्रीय लेने 10 रुपये खुद के लिए, उसके बाद 40 रुपये मतलब बहुनी के पैसे मेरे को लगभग मान लो 10 रुपये मिले थे। और पहले मैं ना कितनी सारी टिक्की लाता था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं लाता था 90 या फिर 100 पीस टिक्की, अभी मैं सिर्फ इतनी लाता हूँ। अगर आप इसको गिनोगे ना, 3, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 10, 11, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24, 23, 24,
है। और पहले जब ठंडी के टाइम रहता था ना तो काफ़ी ज़्यादा चाट धनिया पत्ती नहीं काटी इसमें यार, और धनिया पत्ती थोड़ी सूख गई थी ना तो मैंने कपड़े में लपेट के रखी अभी है पानी के चक्कर में ना, गर्मी में बहुत जल्दी धनिया पत्ती सूख जाती है। तो अभी 4 बज गए हैं, लगभग 4 बज ही गए हैं और थोड़ा मोड़ा सामान भी बचा है, लेकिन मैंने तिरपाल आज पहले खोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ लगता है कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। वो चौपाटी वाला जो बात थी वो मैं बता नहीं सकता तो वही वाला कुछ सीन क्रिएट हो सकता है कि अभी आएगा कोई भगाएगा या फिर जैसा भी हो, इसलिए मैं पहले तिरपाल खोल दूँ, उसके बाद तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि ठेला ढक के ले जाना, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सामान बचा भी नहीं है मेरा, ये पानीपुरी बची है, इतनी चाट बची है। तो मैंने अपनी दुकान यहाँ से हटा ली है और यहाँ पर लगाई है, और ये भैया लोग देखिए चाट खा रहे हैं, और इन लोग की गाड़ी थी ना तो इसके पीछे मैंने लुका ली क्योंकि वहाँ जो ठेला लगे हुए थे ना स्कूल के सामने वो उनको फिर से भगा दिया गया है, जो मैटर होना था वही फिर से होने लगा, इसलिए मैंने तिरपाल वगैरह पहले खोल लिया था। भाई यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अब मैं ठेला खड़ा कर दिया, अब जा रहा हूँ चौपाटी, जो नई चौपाटी बनी है यहाँ की, कुछ खा पी लेता हूँ, मोमोज खाता हूँ वैसे 2-4 पीस, और दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि किस प्रकार से क्या व्यवस्था बना हुआ है। सॉरी ब्रो, नहीं दिखा पाया यार, कोई कॉम्प्लिकेशन था, मतलब सबका आर्गूमेंट हो रहा है वहाँ पर कि यहाँ पर नहीं, इसलिए कॉम्प्लिकेशन हो रहा था ना, और मैं इसलिए दिखाया भी नहीं, मोबाइल वहाँ निकाला भी नहीं। तो भाई बहुत दिन के बाद आया, तो जल्दी ख़त्म हुई है मेरी पानीपुरी, है कि नहीं फिरोज? हाँ भाई, इससे पूछो मैं 7 बजे 7 बजे 7:30 7 बजे घर जाता था, आप लोगों को भी पता है, आज बहुत जल्दी ख़त्म हुआ है भाई। अरे देखो पानी बरस रहा है, देख सकते हो आप लोग, दाना दाना आपको दिख रहा है, अरे पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, पानी ख़त्म हो गया, देखो पूरा सामान आज। अरे आइसक्रीम रखी थी मेरी यार यहाँ पे, पूरी पिघल गई होगी, अरे बच गई,
बच गई बच गई बच गई बच गई। ये कांच पता नहीं, ये लड़के लोग फुल्की निकालते हैं कांच खड़ा करके छोड़ जाते हैं। हाँ भैया आज जल्दी जा रहा हूँ ना, इसलिए आइसक्रीम खा लिया। जल्दी जा रहा हूँ आज, आज ख़त्म हो गया, जल्दी जा रहा हूँ इसलिए आइसक्रीम खा रहा हूँ आज। ये आदमी का शरीर देख रहा हूँ मेरा, फुल्की खा खा के पूरा ऐसा शरीर हुआ है। अब देखना ना, अभी कांच खुला हुआ था, अभी फिर से खुला छोड़ देंगे। बंद कर देना भाई। मैं कर देता हूँ, थैंक यू। उसमें भी नहीं है, चाट बचा हुआ, थोड़ा समय खा गया। भाई साहब दिखा। अरे वाह, कैसे शक्ल। ये आदमी को नहीं पता क्या दिक्कत है, जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कार आ रहा है और पीछे कार, हाँ पीछे कार भी आ रहा है, तो साइड में, तू साइड में करना, समझ जाएंगे लोग पीछे गाड़ी आ रही है। जब जब मैं कैमरे स्टार्ट करता था तो आ ही जाता है। निकल जाएगा भैया, निकल गए। चलो कुछ लोग समझते हैं, पता है कुछ लोग समझते हैं कि पीछे कार है, मान लो तो हॉर्न नहीं देंगे। ये जो हॉर्न सुन रहे थे ना आप और लड़के, ये साहिल का हॉर्न था, लेकिन बहुत हैवी लगा है, क्रेटा वाला जो। अरे बाप रे, मैं तो डर गया भाई, ये रस्सी लटक रही है ऊपर से यार, तो क्रेटा वाला। और ये जो भैया कार थी ना, ये हॉर्न नहीं दे रहे थे। आज वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं दोस्त लोग, बहुत दिन के बाद जल्दी आया हूँ मैं तो, हरदम 7 बजे 7:30 बजे 7:45 बजे। आप लोग तो ये देखते हो ना यार रोज़ व्लॉग, तो आपको पता होगा कैसे बकरी ना मेरे को बहुत परेशान करती है, पता नहीं क्यों। मजाक में इसने मेरी पूरी मीठी चटनी खिला दी। अब मैं ये पचकी फुलकी ना इसको ले दूँगा पेंसिल, और आज के बाद ये दिख गई, दिख गई ना मेरे को बदमाश, दिख गई थी। सो देखो 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 कैसे देख रही है, देखो ना कैसे देख रही है। आ इधर बताता हूँ मैं, मीठी चटनी गिरा दी यार, बताओ भला। अब ये जम जाएगी, इसमें पानी डाल के मेरे को साफ़ करना पड़ेगा। ए गुरु जी हो गया, ये रहे गुरु जी, अब छक्का मारे कब जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने। ये देखिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये आ गए हैं स्टूडेंट। पप्पू भैया फेंकिए 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 फेंकिए, हाँ फेंकिए, लड़ लो पहले। अब ये 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 ये, अरे वाह। और ये देखो मेरी शर्ट ना आज फिर फट गई है, यहाँ से देखो, ये तो पूरा मसाला वगैरह लगा हुआ है ठेले का। और देखो यहाँ से ये फटी थी, मैंने रफू करा लिया था, लेकिन यहाँ पे ये देखो फिर से फट गई। वो ठेला में जो कांटी लगी हुई ना, उसी से ये सब हो जाता है। तो कल क्या करूँगा ना, उस कांटी को ठोक दूंगा या फिर उसको निकाल ही दूंगा। मैं बोलता हूँ निकाल ही दूँ, ठोकूंगा ना तो फिर से हल्की फुल्की फट जाएगी। क्या ही मतलब हुआ यार, देख रहे हो एकदम। ये रफू कराई थी मैंने, देखो ये रफू कराई थी, अब इसको भी करानी पड़ेगी। चलते हैं बाहर और सामान लेता हूँ मैं बाज़ार से, आज जल्दी आ गया हूँ। तो घर से आने के बाद मैं कहीं नहीं गया सामान वगैरह लेने, मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने लगा और मैंने 2 छक्के मारे भाई, टाइम मिल गया, खेल लिया। वैसे ही आया और जस्ट बैटिंग पे उतर गया, क्योंकि बस बोले कि एक प्लेयर नहीं था, उनको चला गया था ना, तो डायरेक्ट मेरे को बैटिंग मिल गई, डायरेक्ट प्रमोशन, वाह। तो 2 छक्के मारे, 1 चौवा मतलब 6 × 12 और 12 × 4 = 18 रन मेरे को मारा, 3 मतलब मैंने मारे 18 रन और मैं आउट हो गया अभी। और अभी क्रिकेट चालू है देखो वहाँ पे, तो ये सीन हो जाता है। उसके बाद जाऊंगा मैं, सामान वगैरह ले आऊँगा उसके बाद। अचानक से मैं एडिटिंग कर रहा था और उधर से बॉल आई, अब एक हाथ में मोबाइल था, अब मोबाइल कैसे छोड़ूँ, एक हाथ से कैच लेने लगा, तो पता है कैच भी छूट गया और मैं इस गड्ढे में जाने से यहाँ पे गिर भी गया। देखो ये बाउंड्री हम लोग की 4 रन की, तो इस गड्ढे में जाने से गिर भी गया। हालांकि कोई कुछ नहीं बोलता है, मार है दोस्तों, कैमरा ऑन नहीं रहता है, नहीं तो मस्त चीज़ दिखाता मैं। अभी सेम सिचुएशन वैसे ही था, मैं एडिटिंग कर रहा था, लेकिन मैंने ये लोवर की जो है ना जेब की चेन खोल ली थी और डायरेक्ट मेरे पास कैच आया, और बहुत दूर से वहाँ से कैच आता है ना, तो टाइम रहता है मेरे पास 3 से 4 सेकेंड, तो उतने के अंदर मैं डाल लेता हूँ अपने पैकेट में मोबाइल डाल लेता हूँ और आराम से मैंने एक कैच ले लिया। तो भैया बोल रहे थे अरे इस बार कैसे ले लिया, तो मैंने बताया भाई पहले लोअर की चेन लगी हुई थी और मैं मोबाइल डाल रहा हूँ उसमें, लोअर की चेन में मतलब सॉरी लोअर में, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, लोअर में डाल रहा हूँ, लेकिन कैच छूट गया, लेकिन इस बार आसानी से ले लिया मैंने। लेकिन जिसका कैच लिया ना, वो मेरा ही टीममेट था भाई। चलो भाई मैच खत्म हो गया, और ये बकरी को देखो, ये वही 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 बकरी है, फिर से परेशान करने आ गई यहाँ पे। तो ये रही मेरी गाड़ी, चलता हूँ मार्केट अब। तो दोस्तों मैं बाज़ार से आ गया हूँ ये सामान लेके, जो डेली उसका सामान रहता था। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ पता चली है कि स्विच में लॉकडाउन लग जाएगा सैटरडे और संडे को 2 दिन, और यहाँ की जो टाइमिंग है ना ओपन और क्लोज़ की, 6 बजे से 2 बजे तक, मतलब अभी जो टाइमिंग है वो है 6 बजे से 8 बजे तक है, उसके बाद लॉकडाउन लगता है संपूर्ण, है ना, नाइट कर्फ्यू रहता है, लेकिन अब होगा 6 बजे से 2 बजे तक। देखते हैं कि क्या कैसा सीन क्रिएट होता है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।